जब से 100 कंपनीज को यहाँ डिप्लॉय करने का जो फैसला है, लोगों ने वो वायरल हो गया है, जो वो देखा है, वो जो ऑर्डर आया है, तो एक बड़ा स्केयर, डर, खौफ हर जगह है और तश्वीश हो रही है लोगों को कि कहीं जो ये हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है स्टेट का, जिसमें आर्टिकल 370 है, 35 है, कहीं इससे कोई कोई जो टिंकरिंग या इससे इसमें कोई इसको ख़त्म करने की कोई साजिश ना चल रही हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं होने वाला है इससे। इससे जो लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनको तो फायदा ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ उठाया है, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो समझती हैं कि उनकी तकदीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है, ये उनके लिए उनकी क्रेडिबिलिटी रो, देयर क्रेडिबिलिटी विल बी रो। वो तो ग्लोरीफाई होंगे, जो एंटी इंडिया स्टांस होंगे उनको तो लेकिन उनके लिए तो एक ग्लोरिफिकेशन। मुझे लगता है कि एक अजीब माहौल बन गया है जहां लग रहा है कि 1 बिलियन लोग हिंदुस्तान के, वो उठ के कश्मीर के कुछ चंद लोगों पर, हम हाउ मेनी आर वी, हम तो 60-70 लाख होंगे, उन पर हावी होकर दिखाना चाहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा है, आज हम तुमको सबक सिखा देंगे। बड़े जो ग्रेट नेशंस होते हैं, ये तरीका कार नहीं होता अपने ही लोगों के साथ पेश आने का, ऐसा नहीं चलेगा।